मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। वो लोग जो जमीनों पर कब्जा करते थे, कांग्रेस की सरकार और दिग्विजय सिंह जैसे नेता उन्हें समर्थन देती थी। 21,000 एकड़ जमीन गुंडों से हमने छुड़ाई है। गुंडों पर कार्रवाई करने की बात होती थी तो दिग्विजय रामधुन की बात करते थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुन ले कमलनाथ तो सुन ले दिग्विजय, सुन ले कांग्रेस के नेता, मामा गुंडों को छोड़ेगा नहीं। मदरसों में पढ़ाई को लेकर मचे विवादों के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा, प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने का मामला संज्ञान में आया है। मैंने भी उसे देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मदरसों की पठन सामग्री को जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश देकर संबंधित जिले के शिक्षा विभाग से उस स्टडी मटेरियल की स्क्रूटनी करा ले। नवरात्रि पर एक युवक ने पहचान छुपाकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब युवती को उसकी असलियत पता चली तो आरोपी ने उसके 36 टुकड़े करने की धमकी दी। हिंदू संगठन ने रणनीति बनाकर आरोपी को पकड़ा और उसका जुलूस निकाला। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाते हुए अपना नाम राहुल बताया था। इसके बाद युवती से पहचान बढ़ाते हुए प्यार के जाल में फंसा लिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के विधायकों, सांसद और पूर्व मंत्रियों सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित कई सीनियर लीडर्स शामिल हुए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा कर मंत्री भूपेंद्र सिंह के क्षेत्र खुरई सहित प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हो रहे मामलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सिंधिया के आने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा दो भागों में बंटती नजर आ रही है। एक गुट सिंधिया समर्थक भाजपा है तो दूसरा मूल भाजपाइयों का है। इसकी वानगी उस समय नजर आई जब खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शनिवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंची थी। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में पहुंचने वाले सिंधिया समर्थक भाजपाई थे, जिन्हें देख यशोधरा राजे ने पूछ लिया कि पुरानी भाजपा से कोई नहीं आया। इस पर सिंधिया समर्थकों का कहना था कि अब तो हम भी आपके ही हो गए हैं। उस समय तो सभी ने हंसकर इस बात को टाल दिया, लेकिन साधारण तौर पर कहीं खेल मंत्री की इस बात ने पार्टी की खींचतान को बाहर ला दिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।